अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047 यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव-गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। देशवासी आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और मेक इंडिया डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट नेशन बाय 2047 रिमूव एनी टेरेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, सेलिब्रेट आवर हेरिटेज, स्ट्रेंथन यूनिटी एंड रिस्पेक्ट दोज पीपल हु प्रोटेक्ट द कंट्री परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन के मुताबिक हमारे बीच में बैठे हुए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कुलराज सिंह जी, उनके साथ तहसीलदार लाठी परमदीप सिंह जी, उनके साथ हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर जो कि नई तैनाती हुई है राकेश जी, उनके साथ हमारे प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी पूरन सिंह जी, हमारे ब्लॉक के इंस्पेक्टर और अलग अलग डिपार्टमेंट से सभी ऑफिसर ऑफिशियल्स और अलग पंचायतों से आए हुए लोग और मेडिकल डिपार्टमेंट, यहां तक आज का जो प्रोग्राम है ये 26 जनवरी तक चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है, नारा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, 2047 तक उनका एक ये सपना है, तो उन्होंने एक प्रण लिया है, उस प्रण में हम भी आज शामिल हैं। सभी जितने हम बैठे हुए हैं हम उनके साथ हैं कि हमारा भारत जो है ये विकसित भारत कैसे बने, उसके लिए हमारा योगदान प्रधानमंत्री जी के साथ रहेगा। जैसा कि गवर्नमेंट इंडिया का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत, उसी के लिए हमने एक संकल्प लेना है और हर स्कीम को संकल्प में क्या आएगा कि हर स्कीम जितनी भी लोगों के लिए, जितनी भी गरीब लोगों के लिए स्कीमें हैं, उन सारी स्कीमों को सेटिफिकेट करना है। अगर पेंशन देनी है सोशल वेलफेयर ने तो जितने भी डिजर्विंग लोग हैं सबको देनी है, बीच में छूटना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है,
हर पंचायत में एक बहन आई है हमारी, जो सारी स्कीमों को लेकर आई है, वो सबको बता रही है कि, और उनके साथ जितने भी ऑफिशियल्स उस एरिया में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वगैरह सारे, वो सारे आए, सारे जिनके पास जो भी स्कीमें लोगों के लिए, वो सारी स्कीमें लोगों को बताएं, और सब लोगों को अपना अपना महकमा है, जो महकमा जिस महकमे की जो स्कीमें हैं, वो सारी स्कीमें लोगों को बीच आके बताए और कंप्यूटर लैब का हाथ में रखें और उसको सैचुरेट करें। कोई भी रहना नहीं चाहिए, सैचुरेट करने का मतलब है कोई भी उस स्कीम के बेनिफिट से वंचित नहीं रहना चाहिए, पीछे ना रहे, सबको सभी स्कीमें सब आदमी को लागू कर दी। इसी के साथ मैं जितने भी ऑफिसर साहबान जहां पे आए हुए हैं, वो अपने अपने महकमों की स्कीमें लेके जो लोग रह गए उनको ऑन द स्पॉट इनरोल करें और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई करके उन लोगों को स्कीम का बेनिफिट दो। और मैं समझता हूं तो मैं तो बिस्तर में था कि मुझे रिस्ट्रिक्शन मिल गया है, मैं हॉट पेशेंट हूं, मुझे बोला कि सर्दी में बाहर नहीं निकलना हो, लेकिन जब यहां से फोन किया ये अवेयरनेस है, ये मेरे साथ कल गुजरी है, किसी के साथ मैं गुजरी, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं सोया रहा, मुझे मैं अपना बीपी चेक नहीं करवाता था क्योंकि मैं सोचता था ये शुरू से चल रहा है सही, लेकिन ऐसा वक्त आ गया कि सिर दर्द को मैं ठीक करने गया और हार्ट के 3 स्टंट पड़े मुझे, हार्ट में 3 स्टंट, सर में दर्द थी, चेक कराने गया, डॉक्टर ने चेक किया, तुम्हारा हार्ट सारा ब्लॉक हो गया। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो स्कीम्स चली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनका कम से कम हमारे जो ऑफिसर यहां पर बैठे हुए हैं जब बाहर से आते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ इनके लिए वक्त निकालो भाई, इन स्कीम्स का फायदा उठाओ। अगर आपने इन स्कीमों का फायदा नहीं उठाया तो हम पहाड़ी के पहाड़ी ही रहेंगे, मैं सच बोलता हूं। हम जो गवर्नमेंट ने हमें स्कीम हजारों किस्म की दी है, मेडिकल की दिखे, ये आयुष्मान भारत जो कार्ड बना हुआ है, ये मेरा पास बना हुआ था, उन दिनों यहां चल रहा था सर, किस लिए बनाना है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग किस क्यों बनाना, किसी है थोड़ा कुछ एक रात दे, लेकिन हमें जब सेशन उनके बना लो भाई, बना लो, हम आए बना लिया, उसका मैंने 4.5 लाख का बेनिफिट उठा लिया, ये सच्ची बात है। आप लोगों को वहम होता नहीं, झूठ बोल रहा है, कौन देगा 4.5 लाख, हमारे प्रधानमंत्री ने ये जो स्कीम चलाई हुई है सबके लिए है, गरीब के लिए है, अमीर के लिए है, हर फैमिली के मेंबर के लिए है, 5 लाख रुपया सालाना, ये बहुत बड़ी स्कीमें चल रही हैं। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि जो ऑफिसर यहां पर आते हैं स्कीमों को चलाने के लिए, इनका कंट्रीब्यूट करें, इनके पास बैठे, इनका फायदा उठाएं, उठाओगे ना भाई, उठाओगे ना, और ये कार्ड जो है सारे बनाएंगे, जिनका रह गया बनाओगे सारे भाई, और देने क्यों बोल रहे हो, ये जो कार्ड बने हैं ना मेडिकल के, इनको बनाओ, इनका बेनिफिट उठाओ, और दूसरे जो बाकी जो स्कीम्स यहां आपकी और भी चली है यहां पर, आपकी तरक्की के लिए, आपके चलने फिरने के साधन के लिए, आपके शर्तों के लिए, आपके घरों के लिए, जितने स्कीमें चली हैं उनका बेनिफिट उठाओगे। थैंक यू सर।